अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं 14 वीक हमारा जो है चल रहा है। कल हमने लेक्चर नंबर 1 डिस्कस किया था ऑपरेटिंग सिस्टम का, आज जो है हम ऑपरेटिंग सिस्टम का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। जैसे कि स्क्रीन पर नज़र आ रहा है चैप्टर 14 डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन, लेक्चर नंबर 2 टॉपिक्स फॉर डिस डेडलॉक हैंडलिंग रीचिंग एग्रीमेंट। तो आज हम डेडलॉक हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे और रीचिंग एग्रीमेंट कौन कौन से हमारे पास। तो मूव करते हैं हमारे पास जो है डेडलॉक प्रिवेंशन के बारे में। यहाँ कुछ बताया गया है, रिसोर्स ऑर्डरिंग डेडलॉक प्रिवेंशन डिफाइन अ ग्लोबल ऑर्डरिंग अमंग सिस्टम रिसोर्स। इसमें बेसिकली होता क्या है, डेडलॉक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि डेडलॉक क्या है। एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जब एक से ज़्यादा प्रोसेस यानी आ जाते हैं एग्जीक्यूशन के लिए और वो यानी स्टॉप हो जाते हैं, यानी वो एग्जीक्यूशन में तो आ गए हैं लेकिन उनके एग्जीक्यूशन के लिए टाइम नहीं मिल रहा। एक ऐसी सिचुएशन अगर हो गई है कि कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, तो ये जो है हमारे पास डेड लॉक होता है। जैसे कि हमारे पास ट्रैफिक की एग्जांपल है कि एक चौक है उसके ऊपर यानी चारों तरफ से गाड़ियां आ जाएं तो वो जो है हमारे पास हेल्ड हो जाता है, यानी उसको यानी हैंग हो जाता है। इसी तरह यहाँ प्रोसेस भी हैंग हो जाते हैं, वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहे होते, तो ये डेड लॉक है। तो उसके लिए बचने के लिए यानी हमारे पास रिसोर्स ऑर्डरिंग डेड लॉक प्रिवेंशन की एक टेक्निक बताई गई है। दूसरी बैंकर एल्गोरिथम है। बैंकर एल्गोरिथम डेजिग्नेट वन ऑफ प्रोसेस इन द सिस्टम एज प्रोसेस दैट मेंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू कैरी द बैंकर एल्गोरिथम। तो ये दो यानी सिचुएशन है बचने के लिए। ईच प्रोसेस पी आई इज असाइंड यूनिक प्रायोरिटी नंबर, यानी फिर उनका हम एक प्रायोरिटी नंबर देते हैं। प्रायोरिटी नंबर आर यूज टू डिसाइड वेदर अ प्रोसेस पी आई शुड वेट फॉर पी आई पी जे पी आई एग्जीक्यूट हो गया या पी जे वेट करेगा। यानी जब हम उन्हें प्रायोरिटी नंबर दे देते हैं तो तब वो प्रोसेस अपनी अपनी बारी पे एग्जीक्यूट होते हैं। दिस स्कीम प्रिवेंट डेड लॉक। तो ये जो है जैसे पी आई पहले फिर पी जे इन द वेट फॉर ग्राफ। वेट डाय स्कीम बेस्ड ऑन द नॉन प्रीएम्प्टिव टेक्निक। इफ पी आई रिक्वेस्ट रिसोर्स करंटली पी जे पी आई अलाउड टू वेट ओनली एज स्मॉलर टाइम स्पैन। तो यानी पी जे वेट करेगा पी आई एग्जीक्यूट, अगर पी आई ने वेट करने तो पी जे एग्जीक्यूट होगा। एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, सो दैट प्रोसेस पी वन पी टू पी थ्री हैव टाइम स्टैम्प टी 10:15 रिस्पेक्टिवली। इफ़ पी आई रिक्वेस्ट रिसोर्स हेल्ड पी टू दैन द पी वन विल वेट। कि पी टू आर रेडी एग्जीक्यूट हो रहा है तो पी वन वेट करेगा। इफ पी थ्री रिक्वेस्ट रिसोर्स हेल्ड पी टू दैन पी थ्री विल बी लेट बी वो क्या है वेट करेगा। तो यानी जो सिस्टम में पहले प्रोसेस गया हुआ है और वो एग्जीक्यूट हो रहा है और दूसरे को वेट करना पड़ेगा। वुड वेट स्कीम बेस्ड ऑन द प्रीएम्प्टिव टेक्निक। इफ पी आई रिक्वेस्ट रिसोर्स करंटली पी जे पी आई अलाउड टू वेट ओनली एज लार्जर टाइम स्पैम। कि अगर उसका टाइम स्पैम लार्जर है तो उसको वेट करना पड़ेगा। सपोज दैट प्रोसेस पी वन पी टू पी थ्री टाइम स्पैम 5:10:15 P1 request resource held by P2 resource will be preempted P2। कि P2 से ले लिया जाएगा और P1 को दे दिया जाएगा, P2 will be rolled back। P3 request resource held P2 then P will wait। तो P को वेट करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर यानी प्रायोरिटी भी है और टाइम स्टैम्प, जिसका टाइम स्टैम्प ज़्यादा है उसको यानी रिसोर्स दे दिया जाता है और वो जो है एग्जीक्यूट होता है। ये देखें जी साइट S1 साइट S2, ये देखें जी P थ्री पी फोर पी टू, यहाँ पर देखें जी पी वन पी टू, यानी पी वन एग्जीक्यूट हो जाएगा पी टू आएगा पी थ्री पी फाइव, इस तरह से। यानी ये जो है रिसोर्स जो है लोकल वेट फॉर ग्राफ। नेक्स्ट देखें जी हमारे पास ग्लोबल वेट फॉर ग्राफ है जी। हमारे पास पी वन पी टू पी थ्री प्रीएम्प्ट करके पी थ्री भी दिया जा सकता है, पी फाइव भी दिया जा सकता है। डेडलॉक डिटेक्शन, डेडलॉक डिटेक्शन क्या होती है जी, बेसिकली देखते हैं जी डेडलॉक डिटेक्शन। ईच साइट कीप अ लोकल वेट ग्राफ, द नोड्स ऑफ ग्राफ करस्पोंड टू ऑल प्रोसेस दैट आर करंटली इधर होल्डिंग आर रिक्वेस्टिंग एनी ऑफ रिसोर्स लोकल साइट। ए ग्लोबल वेट ग्राफ मेंटेन अ सिंगल कोऑर्डिनेट प्रोसेस ग्राफ इज यूनियन ऑफ ऑल लोकल वेट ग्राफ। देर आर थ्री डिफरेंट ऑप्शन, वेन एवर अ न्यू एज इज इनसल्टेड रिमूव्ड इन वन आर लोकल वेट ग्राफ पीरियडिकली वेन अ नंबर ऑफ चेंज हैव अकर्ड वेन एवर कोऑर्डिनेटर नीड इन वो। तो तीन यानी यहाँ सिचुएशन बताई गई हैं कि
के प्रोसेसेस को इन्वोक भी किया जा सकता है, नया प्रोसेस भी आ सकते हैं और पहले वाले को भी इंसर्ट करवाया जा सकता है। डिडक्शन एल्गोरिथम बेस्ड, तो डिडक्शन देखें, व्हेन प्रोसेस पी आई इज अ साइट ए रिक्वेस्ट रिसोर्स फ्रॉम पी जे साइट बी रिक्वेस्ट मैसेज विद टाइम स्टैम्प सेंड द एच पी आई पी जे विद लेबल टी एस इंसर्टेड, तो यानी वहाँ टाइम स्टैम्प दे के उसको यानी इंसर्ट करवा दिया जाएगा। द एल्गोरिथम एल्गोरिथम द कंट्रोलर सेंड इनिशिएटिंग मैसेज ईच साइट सिस्टम और रिसीविंग मैसेज साइट सेंड लोकल वेट फॉर ग्राफ कोऑर्डिनेटर व्हेन द कंट्रोलर हैज रिसीव रिप्लाई ईच साइट कंस्ट्रक्ट ग्राफ, तो यानी वो ग्राफ कंस्ट्रक्ट करेंगे रिक्वेस्ट के ऊपर, जब वो रिक्वेस्ट भेजी जाएगी तब ये देखेंगे साइट वन पी वन पी टू रिक्वेस्ट, पी थ्री पी वन को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पी थ्री पी वन को और पी टू पी वन जो है पी टू को, तो ये कोऑर्डिनेटर, ये दो साइट्स हैं और ये कोऑर्डिनेटर है। फुली डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच, ऑल कंट्रोलर शेयर इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटेक्ट एंड डेडलॉक, कि यहाँ पर तमाम इक्वल होते हैं। एवरी साइट कंस्ट्रक्ट अ वेट फॉर ग्राफ रिप्रेजेंट पार्ट द टोटल ग्राफ, वी एड वन एडिशनल नोड पी ई एक्स ईच लोकल वेट फॉर ग्राफ, इफ लोकल वेट ग्राफ कंटेन साइकिल दस नॉट इन्वॉल्व नोड पी एक्स देन द सिस्टम इज डेडलॉक स्टेट, इस साइकिल इन्वॉल्विंग पी एक्स इम्प्लाई पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक। तो ये फुली डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच है, यानी जिसमें तमाम इक्वली अप्रोच, मतलब तमाम के पास जो है इक्वली राइट्स होते हैं। ये देखें जी, यहाँ पर आर्गुमेंटेड लोकल वेट फॉर ग्राफ है, ये आर्गुमेंटेड साइट टू साइट वन, यहाँ पर पी वन पी फाइव पी टू पी थ्री और पी एक्स, ये इसके पास राइट्स हैं, इन तमाम को इक्वली राइट्स दिए हुए हैं। यहाँ पर देखें जी, इसने इन तमाम को जो है इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। यहाँ पर देखें जी, पी एक्स ने इन तमाम जो है पी टू पी थ्री पी फोर को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। नेक्स्ट मूव करते हैं रीचिंग एग्रीमेंट, देयर आर एप्लीकेशन वेयर सेट ऑफ प्रोसेसेस विश टू एग्री एंड कॉमन वैल्यू, यानी कॉमन वैल्यू के जरिए यानी उन्होंने एग्जीक्यूट होना है। सच एग्रीमेंट में नॉट टेक प्लेस ड्यू टू फॉल्टी कम्युनिकेशन मीडियम, फॉल्टी प्रोसेस, प्रोसेस में सेंड गार्बेज इनकरेक्ट मैसेज टू अदर प्रोसेसेस, सबसेट ऑफ प्रोसेस में कोलैबोरेट विद ईच अदर अटेम्प्ट डिफॉल्ट स्कीम, तो ये रीचिंग एग्रीमेंट है कॉमन वैल्यू के जरिए, यानी वो रीच करेंगे नेक्स्ट जो हमारी जो वैल्यू होगी उसको। वेल मूव करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं जी क्या है, फॉल्टी कम्युनिकेशन। फॉल्टी कम्युनिकेशन क्या होता है कि जहाँ पर देखें, प्रोसेस पी आई एट साइट ए हैज सेंट मैसेज टू प्रोसेस पी जे एट साइट बी, टू प्रोसेस पी आई नीड टू नो पी जे हैज रिसीव द मैसेज, कि मैसेज उसने रिसीव किया है या नहीं किया। डिटेक्ट फेलियर यूजिंग टाइम आउट स्कीम, व्हेन पी आई सेंड आउट मैसेज इट आल्सो स्पेसिफाई इंटरवल ड्यूरिंग विच विलिंग वेट फॉर एक्नॉलेज मैसेज फ्रॉम पी जे, व्हेन पी जे रिसीव मैसेज इमीडिएटली सेंड एक्नॉलेजमेंट टू पी आई, इफ पी आई रिसीव एक्नॉलेजमेंट मैसेज विद द स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल कंक्लूड पी जे हैज रिसीव्ड अ मैसेज, इफ टाइम आउट अगर पी जे नीड टू रिट्रांसमिट मैसेज एंड वेट फॉर एक्नॉलेजमेंट, तो यानी इसमें यानी पी आई एग्जीक्यूट हो रहा है, पी जे ने एग्जीक्यूट होना है तो वो मैसेज उससे सेंड करेगा, मैसेज रिसीव होगा, मैसेज रिसीव नहीं होता उसे दोबारा से मैसेज यानी रीट्रांसमिट करना पड़ेगा, तब जाके यानी उसने वो जो है रिसोर्स को गेट करना है, तो एक्नॉलेज सिग्नल भेजना ज़रूरी है। तो ये फॉल्टी कम्युनिकेशन है यहाँ पर, यानी मैसेज रिसीव ना होना। Suppose that PJ also needs to know PI has received acknowledged message to order decide how to proceed. In the presence of failure or not possible accomplish this task. It is not possible distributed environment process PI and PJ to agree completely their respective less. तो ये फॉल्टी कम्युनिकेशन हो जाएगी दोनों के दरमियान, कि मैसेज तो भेज दिया गया लेकिन मैसेज रिसीव नहीं हो, अगर मैसेज रिसीव हो गया तो एक्नॉलेज उसे दोबारा रिप्लाई नहीं किया गया, तो दैट्स वाई फॉल्टी कम्युनिकेशन क्रिएटेड। फॉल्टी प्रोसेस बायजेंटाइन जर्नल प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन मीडियम इज रिलायबल बट प्रोसेस कैन फेल इन अनप्रिडिक्टेबल वे, कंसिडर सिस्टम ऑफ एन प्रोसेस ऑन विच नो मोर एम आर फॉल्टी, सपोज दैट ईच प्रोसेस पी आई हैज सम प्राइवेट वैल्यू ऑफ पी आई, डिवाइस एन एल्गोरिथम दैट अलाउ ईच नॉन फॉर पी आई कंस्ट्रक्ट वैक्टर एक्स आई ए आई वन टू थ्री सच दैट पी जे इज नॉन फॉल्टी प्रोसेस देन ए जे बी जे पी आई पी जे आर बोथ नॉन फॉल्टी प्रोसेस एक्स आई एक्स जे।
सॉल्यूशन शेयर फॉर्मिंग प्रॉपर्टीज ए करेक्ट एल्गोरिथम कैन बी डिवाइडेड ऑनली एंड 3xm+1 द वर्स्ट केस डिले रीचिंग एग्रीमेंट प्रॉपर्टी m+1। तो m+1 क्या है, इसके लिए एक एल्गोरिथम है जो यानी वैल्यूज़ में इंक्रीमेंट लगा के यानी प्रोसेस को जो है एग्जीक्यूट करवाएगा, फॉल्टी प्रोसेस जो होंगे, फॉल्टी प्रोसेस यानी जो एक्नॉलेज सिग्नल गेट नहीं कर रहे होंगे, यानी सिग्नल तो मिल गया रिप्लाई नहीं किया, तो यानी ये इस एल्गोरिथम के ज़रिए यानी उन फॉल्टी प्रोसेस को मैनेज किया जाएगा। फॉल्टी प्रोसेस एंड एल्गोरिथम क्या है, केस वेयर एम इज इक्वल 1 एंड इज इक्वल 4 रिक्वायर 2 राउंड ऑफ ए इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज, ईच प्रोसेस एंड प्राइवेट वैल्यू और अदर 3 प्रोसेस, ईच प्रोसेस एंड इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन इन द फर्स्ट राउंड ऑल प्रोसेस, इफ फॉल्टी प्रोसेस रिफ्यूज सेंड मैसेज नॉन फॉल्टी प्रोसेस कैन चूज आर्बिट्रेरी वैल्यू एंड प्रिटेंड दैट वैल्यू सेंट बाई दैट प्रोसेस, आफ्टर द 2 राउंड कम्प्लीटेड नॉन फॉल्टी प्रोसेस पी आई कैन कंस्ट्रक्ट वैक्टर, ये वेक्टर क्रिएट किया जाएगा और उस वेक्टर क्रिएट करने के बाद यानी उन फॉल्टी प्रोसेसेस को अकोमोडेट किया जाएगा और वो जो फॉल्टी प्रोसेसेस हैं वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे जो फॉल्टी प्रोसेसेस हैं। लेक्चर नंबर 2 हमारा यहाँ पर दी एंड हो गया है और चैप्टर नंबर 14 भी हमारा दी एंड हो गया है। नेक्स्ट वीक हम जो है चैप्टर नंबर 15 डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।